हेलो व्हाट्सअप गाइस, आई एम तबरेज, आपका अपना यूट्यूब चैनल और अंडर HLFL वीडियो। तो दोस्तों आज का वीडियो में होने वाला है कि दोस्तों MI पे के बारे में। बहुत सारे यूज़र्स यार जो बोल रहे हैं भाई अनइंस्टॉल नहीं हो रहे हैं यार, उसको अनइंस्टॉल कैसे करें, डिलीट कैसे करें यार, तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ यार। देखो भाई, मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो MI ऐप है वह अनइंस्टॉल नहीं होता है, ठीक है। वो सिर्फ ही कंपनी की तरफ से आया है, वो अनइंस्टॉल नहीं होगा, आपको सिर्फ डिसेबल किया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में कैसे उसको हटा सकता है अपने होम स्क्रीन पे, तो मैं आपको बता दूंगा यार इस पर। ये जो आप देख रहे हैं MI पे लिखा हुआ जो आ रहा है MI पे, सिंपली देखो दोस्तों ये मैं इसको होम स्क्रीन से हटा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये MI का फ़ोन में ये डिलीट अनइंस्टॉल नहीं हो पाता है, ठीक है। अनइंस्टॉल नहीं होगा यार, ओनली डिसेबल ही होगा। मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में डिसेबल कैसे किया जाता है। आप अपने होम स्क्रीन पर जो नज़र आ रहा है उसको आप हटा सकते हो, सिंपली आपको कोई परेशानी नहीं होगा, आप सिंपली इसको हटा सकते हो। मात्र बोले तो अनइंस्टॉल की तरह ही होता है, अनइंस्टॉल करो या डिसेबल करो, आपसे उससे कोई मतलब ही नहीं है, तो डिसेबल ही कर दो, उससे क्या दिक्कत है। होम स्क्रीन का आप पे नहीं रहेगा, आपको दिखेगा नहीं कि आप कैसे डिलीट करते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा यार पूरा। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ यार, और बात सुन के जाओ। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर अगर नए हो यार, तो जल्दी से यार भाई सब्सक्राइब वाले बटन जो दिख रहे हो उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। इससे क्या होगा, जब भी मैं अगर वीडियो को अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन में पहुंच जाएगा। और एक लाइक कर दो भाई, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। इससे क्या होगा, आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख के जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे किया जाता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले एक सेकेंड, तो दोस्तों देखो आप सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में अपना ओपन कर लेना है, जो कि मैंने प्ले स्टोर का अपना ओपन कर लिया। तो सिंपली आपको 3 लाइन डॉट जो दिखा आ रहा है, सिंपली आपको इस पर एक बार क्लिक करना है, जैसे कि मैंने क्लिक किया। सिंपली आपको भी इस बार एक बार क्लिक करना है दोस्तों, और मैं बताता हूँ आपको कहाँ जाना है। सिंपली 3 लाइन डॉट पे क्लिक करना है, जैसे कि मैंने क्लिक किया, सबसे नीचे वाले सेक्शन में चला जाना है। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा हेल्प एस फीडबैक, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है यार एक बार। जैसे कि मैंने क्लिक किया, आपके सामने कुछ सारे ऑप्शन आएंगे, तो सिंपली आपको ब्रोज ऑल आर्टिकल पे क्लिक करना है। जैसे कि मैंने क्लिक किया, सिंपली आपको भी इस तरीके से क्लिक करके आपके ऐसा इंटरफेस खुलेगा आपको भी। तो सिंपली ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा, तो आपको सिंपली कोई पे कुछ भी नहीं जाना है, मैं जो बता रहा हूँ वही कुछ भी करना नहीं दोस्तों, जो मैं बता रहा हूँ वही करना है आपको। मैनेज योर ऐप पे जो लिखा आ रहा है मैनेज योर ऐप, तो सिंपली आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखेंगे, मैनेज योर वेट लिस्ट, गेट ए रिफंड ऑन गूगल प्ले, अपडेट योर एंड्रॉयड ऐप। तो सिंपली आपको उस पर तीनों पर कुछ भी नहीं क्लिक करना, सिंपली नीचे वाले सेक्शन पर क्लिक करना, डिलीट आवर डिसेबल ऐप ऑन द एंड्रॉयड। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, एक बार आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो सिंपली आपको कहीं पे नहीं जाना है, जो लिखा आ रहा है डिलीट ऐप डैट यू इंस्टॉलेड, मतलब जो लिखा हुआ है दोस्तों डिलीट ऐप डैट यू इंस्टॉलेड, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक लिखा हुआ रहेगा टाइप टू गो टू एप्लीकेशन सेटिंग। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है एक बार, जैसे कि मैंने क्लिक, आपको भी इस पर क्लिक करना है एक बार। आप क्लिक करते ही आपके सामने कुछ सारे ऐप खुल जाएंगे दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो सिंपली देखो आपको जो भी है, जो भी ऐप को मैं मी पे के बारे में बता रहा हूँ, तो आपको मैं मी पे का देख लो। देखो दोस्तों यहाँ लिखा हुआ रहेगा मी पे MI पे, तो सिंपली मैं आपको इस पर क्लिक करना है, इसको हटाना। तो सिंपली आपको क्या करना है यार, मैं बताता हूँ। देखो दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा, बहुत सारे ऑप्शन दिखेगा आपको दोस्तों। देखो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं यार, ऐप नोटिफिकेशन, परमिशन, स्टोरेज, बैटरी लाइफ, परमिशन। सिंपली आप इस पर कुछ भी क्लिक नहीं करना है, कुछ पर भी आपको क्लिक नहीं करना है। जो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है आपको डिसेबल और फोर स्टॉप, तो सिंपली आपको डिसेबल वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है, और जो नीचे ऑप्शन आया डिसेबल ऐप, तो सिंपली आपको इस पर भी क्लिक कर देना है। अब मैं आपको बैक करके दिखा देता हूँ, मेरे होम स्क्रीन से वो हट गया। तो देखो आप दोस्तों देख सकते हो यार, मेरे होम स्क्रीन पे ओ MI पे नहीं है, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर आप देख लो अच्छे से, ऐसा ना बोलो भाई कि आप यार ये कर दिए वो कर दिया। भाई देखो मैं लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ आपको, मैं कोई फ्रॉड नहीं करता हूँ भाई, आप देख सकते हो खुद से ही। तो सिंपली आपको देखो मेरा MI पे को हटा दिया हूँ मैं, ये देखो दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, ये MI पे जो है अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता, आप जितना भी कोशिश कर लो अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता है। और इसको डिसेबल सिंपली आप प्ले स्टोर के माध्यम से ही कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया उसी माध्यम से कर सकते हैं। आप चाहोगे तो आप चाहोगे ऐसे करोगे, मैं सेटिंग में गया और सिस्टम ऐप सेटिंग में गया, सिस्टम सॉरी मैनेज ऐप सेटिंग में गया, अब मैंने
मी वाले ऑप्शन पे क्लिक किया एमआई पे, मेरा तो ऐड किया हुआ तो मेरा कुछ भी नहीं दिखेगा, अनइंस्टॉल है दोस्तों। सिंपली यार बहुत सारे बता रहे हैं वीडियो में देख रहा हूँ मैं तो, अनइंस्टॉल ये कर रहा था दोस्तों, अनइंस्टॉल नहीं होता है ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं गैलरी, तो गैलरी अनइंस्टॉल का ऑप्शन तो नहीं दे रहा दोस्तों। आप सिंपली इसको डिसेबल भी नहीं कर सकते आप दोस्तों, यहाँ से देख लो पहली बात बता दे रहा हूँ, आप डिसेबल भी नहीं कर सकते इसको। आप सिंपली मैं जो आपको तरीका बताया हूँ, ट्रिक जो बताया हूँ, आप उसी के माध्यम से उसको डिसेबल कर सकते हो। देखो यहाँ डिसेबल का ऑप्शन ही नहीं दे रहा, तो डिसेबल इसको छुपा भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हो यार। तो सिंपली मैं जो आपको तरीका बताया हूँ दोस्तों, वो तरीका आजमा लो आप, बहुत ही बेस्ट है, आपको कोई परेशानी नहीं होगा दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दो यार, और दोस्तों के साथ शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। तो मिलता हूँ भाई नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।